आज की कहानी है ननद जी माई के सास बहू की लड़ाई करवाने ही आती हो क्या। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। तमन्ना बेटा, गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और तुमने अभी तक मायके जाने का नाम ही नहीं लिया। वैसे तो बहुत ज़्यादा सेकने लगती थी छुट्टियां होते ही कि मायके जाना है, मायके जाना है। वर्षा ने तमन्ना से हार से संकेत होकर पूछा, मम्मी जी बस इस बार बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। तमन्ना ने लापरवाही से जवाब दिया, क्या कहा तुमने कि तुम्हारा मायके जाने का मन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है, इस बार तो तुम्हारी भाभी भी होगी, उनके साथ तो और भी ज़्यादा मजा आएगा। वर्षा को सचमुच बहुत ताज्जुब लगा, वरना इससे पहले तो हर बार यही होता था कि उधर गन्नों के इम्तिहान समाप्त हुए और उधर तमन्ना मायके निकल जाती थी, लेकिन इस बार तो बिल्कुल उसका उलट ही हो रहा था। अभी वो ये बात सोच ही रही थी कि तभी तमन्ना के फोन की घंटी गनगना उठी और शायद फोन तमन्ना की मम्मी का ही था। तमन्ना वहाँ से उठकर बरामदे में चली गई, लेकिन उसकी आवाज़ वर्षा के कानों तक आ रही थी। तमन्ना बेटा कब आ रही हो? शायद उधर से उसकी मम्मी यशोधरा के द्वारा कहा गया। मम्मी अभी कुछ सोचा नहीं है, तमन्ना ने बेफिक्री से जवाब दिया। अरे गन्नू के तो इम्तिहान समाप्त भी हो गए होंगे, फिर भी क्यों नहीं सोचा तुमने? यशोधरा ने आरस्य से पूछा। मम्मी बस इस बार मन नहीं बना पाई अब तक, तमन्ना इतना कहकर फिर शांत हो गई। हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, यशोधरा जी मायूसी से बोली। देखती हो मम्मी, वैसे तो मुश्किल ही है। इतना कहकर शायद तमन्ना ने फोन काट दिया, क्योंकि उसके बाद वर्षा को उसकी कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। खैर उस समय तो वर्षा मंदिर जा रही थी, तो तमन्ना से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। बाद में जरूर बात करूंगी, ये सोचकर वर्षा मंदिर चली गई। लेकिन मंदिर में अभी तमन्ना की बातों से उनको बेचैनी हो रही थी, क्योंकि इधर जब से गाड़ों की छुट्टियाँ बिताकर तमन्ना वापस आई थी, तब से मायके में ज्यादा बात भी नहीं करती थी। पहले तो वर्षा ने सोचा कि हो सकता है कि रात में करती होगी, लेकिन एक दिन समधन जी ने खुद उससे ही कहा था कि तमन्ना तो अब हम लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करती, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, वरना तमन्ना बहुत खुश मिजाज और हंसमुख है। उसको इस घर में ब्याह कराए लगभग 7 साल हो गए, लेकिन कभी भी वर्षा से उनकी किन भी नहीं हुई। हंस हंस कर पूरे घर का काम करती रहती, हालांकि लगी बराबर वर्षा भी रहती उसके साथ मदद करवाने में, लेकिन फिर भी आजकल की बहुओं के मिजाज से बिल्कुल अलग, हर आए गए का दिल से सम्मान करती। घर परिवार में भी लोग उसके व्यवहार की मिसाल देते, खुद वर्षा भी अपनी बहू से बहुत ज़्यादा खुश रहती। वो यही सोचती कि नसीब वालों को ही ऐसी बहू मिलती है। यही सब सोचते सोचते वर्षा घर की दहलीज पर पहुंच गई। मम्मी जी आज आप बहुत जल्दी मंदिर से लौट आई, तमन्ना ने पानी का गिलास हाथ में पकड़ाते हुए कहा, क्योंकि वह जानती थी कि वर्षा 2-3 घंटे से पहले मंदिर से नहीं लौटती। हाँ बेटा, कुछ मन विचलित सा हो रहा था। वर्षा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, क्यों मम्मी जी, ऐसा क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है? तमन्ना ने वर्षा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तमन्ना बेटा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस मेरे मन में कुछ झंझावास सा चल रहा है।
क्या तुम उसको दूर करोगी? वर्षा ने तमन्ना का चेहरा निहारते हुए कहा, जरूर मम्मी जी, बताइए कि आप में क्या सदरा, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगी। तमन्ना वही वर्षा के पास ही बैठ गई। तमन्ना बेटा, कुछ तो बात जरूर है जो तुम मुझसे यहाँ तो कह नहीं पा रही हो या बताना नहीं चाह रही हो, वरना कोई भी बेटी मायके जाने के लिए मना नहीं कर सकती, जबकि उसको ससुराल से पूरी सूट हो मायके जाने की। वर्षा ने उसकी ठोड़ी पर हाथ लगाते हुए पूछा, मम्मी जी खुश नहीं? बस ऐसे ही इतना कहते ही तमन्ना की आंखों से आंसू झिलमिल करने लगे। क्या अपनी परेशानी अपनी इस माँ को भी नहीं बताओगी? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं? वर्षा को अपनी लाडली बहू की आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मम्मी जी, आपसे नहीं बताऊंगी तो किस से बताऊंगी? लेकिन सोचती थी कि कुछ बातें छुपा लेना ही बेहतर है, लेकिन अब सही नहीं छुपा सकती। इतना बोलते बोलते तमन्ना 3-4 महीने पहले जाड़ों की छुट्टियों में पहुंच गई। जाड़े की छुट्टी शुरू होते ही हर साल की तरह बहुत खुशी खुशी मायके पहुंच गई, और इस बार तो उसकी खुशी और भी इसलिए ज़्यादा थी कि उसकी नई नवेली भाभी सरू भी पहली बार उसके साथ होगी। लेकिन ये क्या, भाभी को तो शायद उसका आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह थोड़ा बहुत काम उसकी मम्मी के साथ करवा देती और अपना नाश्ता खाना सब कुछ अपने कमरे में ही लेकर चली जाती। या तो वो सोच आई थी कि भाभी के साथ खूब मस्ती करेगी, लेकिन या तो भाभी को छोड़ ही दो। भैया भी उसी के रंग में रंग गया था। उसको तो अब तमन्ना के पास 2 पल बैठने की भी फुर्सत नहीं थी। भैया कुछ भी खाने पीने का सामान लेकर आता तो सीधे कमरे ही लेकर चला जाता। जिस भांजे गन्नू के आने पर उसका भाई उसको मोटरसाइकिल से लेकर घुमा था, उसकी मन पसंद चीजें दिलाता था, वह भांजा उसके कमरे में सला गया तो भाभी ने उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। तमन्ना का तो उसी समय से बिल्कुल ही मन उसट सा गया, और जब उसने अपनी मम्मी से इस बारे में कहा तो वह ने तो साफ किया कह दिया कि अरे कुछ गन्नू शैतानी कर रहा होगा, तभी उसको कमरे से बाहर निकाल दिया। तुम तो जानती ही हो कि गन्नू बहुत शैतान है, लेकिन मम्मी भाभी को तो लगता है कि मेरा आना अच्छा ही नहीं लगा, क्योंकि वह तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं बैठती। अभी वह ये बात यशोधरा जी से कह ही रही थी, तभी सरू पास आकर बोली, जी जी क्या आप इसीलिए मायके आई हो कि सास बहू में झगड़ा करवा सको? 2-4 दिनों के लिए आई हो तो सामान से अपने काम से काम रखिए, वरना सरू आखिरी सब कुछ ठिठाई के साथ का सही। सरू ने उसकी बात सुन ली थी, लेकिन वह कुछ गलत तो नहीं कर रही थी, क्योंकि इस घर से कहीं ना कहीं अपनापन गायब था। मम्मी आपने भी भाभी को नहीं होगा, वह इतना कुछ बोलकर मुझको चली गई, मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रही थी। तमन्ना ने बिल्कुल रो देने वाले अंदाज में कहा, बेटा कर तो तुम उसकी बातें ही रही थी, उसको ऐसे ही रहना पसंद है तो ऐसे ही रहे। तुम 4 दिन के लिए आई हो, खुशी खुशी रहो और अपने घर जाओ, ज्यादा किसी के मामले में टांग ना अड़ो वही अच्छा, वरना तो सरू मुझसे भी बैर ठान लेगी। यशोधरा पता नहीं किस धुन में ये कह गई, उसे तो ये भी याद नहीं कि तमन्ना उसकी अपनी बेटी है। मम्मी आप भी ऐसा कर रही हैं, जबकि आप खुद हमारा स्वभाव बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मैं किसी की भी बुराई नहीं करती, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो इसीलिए कह दिया। कितने अरमानों से आई थी यहाँ पर कि सबके साथ मस्ती करूँगी, लेकिन यहाँ तो सही सब कुछ बदल गया, मैं यहाँ एक और दिन भी बिल्कुल नहीं रहूँगी। तमन्ना अपने ससुराल आने के लिए वापस उठ खड़ी हुई। यशोधरा ने रोकने की थोड़ी बहुत कोशिश भी की, लेकिन तब तक गन्नू की छुट्टियाँ भी खत्म होने को
आ गई थी तो वापस तो वैसे भी आना ही था। मम्मी जी आप भी बताइए कि क्या मैं उस घर में जाऊं जो मेरा मायका तो है, लेकिन वहां पर अब मेरा सामान नहीं। जो भाई गन्नों की सूटियां शुरू होते ही मायके आने के लिए आपस मसा देता था, उसका एक बार भी फोन नहीं आया। भाभी ने भी एक बार बात करना जरूरी नहीं समझा। तमन्ना के मुंह से ये सब कहते कहते सिसकियां निकलने लगी। इतना बोझ लिए थे तुम दिल में और तुमने अपनी माँ से बताना भी जरूरी नहीं समझा। वर्षा ने तमन्ना का चेहरा अपने दोनों हाथों से अपनी ओर करते हुए कहा, मम्मी जी बचपन से सुनती आई थी कि जहाँ तक हो वहाँ तक मायके का सामान ससुराल में और ससुराल का सामान मायके में बसा कर चलना सही है, बस इसीलिए। लेकिन अब नहीं छुपा सकती थी शायद। लेकिन मम्मी जी क्या मैंने मायके ना जाने का सही निर्णय लिया? हाँ बेटा बिल्कुल सही निर्णय, मायको मायका हो या और भी कोई जगह, लेकिन जाने से समान घटे वहाँ से दूरी ही बेहतर। चलो इस बार अगर तुम मायके नहीं जा रही हो तो सब लोग साथ मिलकर कुछ दिनों के लिए ऋषिकेश चलते, क्योंकि तुम्हारे पापा जी का बहुत मन कर रहा था ऋषिकेश चलने के लिए। सब लोग सांस लेंगे तो आनंद भी बहुत आएगा, है ना? वर्षा ने बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कहा, मम्मी जी जरूर। और कुछ ही दिनों में सब लोग एक साथ ऋषिकेश में अपनी छुट्टियां आनंद पूर्वक मना।